हेलो फ्रेंड्स, एग्रीजोन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं मदन स्वामी। आज हम कृषि सांख्यिकी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक का छोटा सा एक वीडियो, जिसमें मैं आपको सारी चीज़ों को सिंपली रूप से, जो एग्ज़ाम में आपके सहायक कृषि अधिकारी का एग्ज़ाम है 31 मई को, उस एग्ज़ाम से रिलेटेड अपने जितने क्वेश्चंस बनते हैं, 4-5 क्वेश्चंस इससे रहते हैं, और भी आपके जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम होंगे उसके अंदर ये वीडियो सहायक होगा। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक अपने करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों का मेरे पास मैसेज आया, रिक्वेस्ट के तौर पर मैं एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक आपको करवा रहा हूँ, तो ध्यान से आप पढ़िएगा। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक में पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर अपने बात करें बेसिक चीज़ की, तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स होती है एग्री स्टेट। एग्री स्टेट में हम ज़्यादातर किसका अध्ययन करते हैं? सर्वप्रथम हम अध्ययन करते हैं बेसिक चीज़ डाटा का, डाटा जिसे आंकड़ा कहा जाता है, और एक कोई भी क्वालिटेटिव फिगर्स हो, जो कि कोई भी एक मात्रा ग्रहण कर सकता है या कोई भी एक गणितीय फलन के रूप में अपने दर्शा सकते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। तो मेनली जो कंपोनेंट होते हैं डाटा को, डाटा का क्या क्या किया जाता है एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक के अंदर? एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक के अंदर डाटा का सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करने के बाद में इसको ग्रुपिंग किया जाता है, जिसे अपने कह दिया जाता है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन के बाद में इसका क्या करते हैं अपने? क्लासिफिकेशन के बाद में टेबुलेशन करते हैं, सारणियन। कहा जाता है कि डाटा को जब रोज एंड कॉलम में जचाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो टेबुलेशन कहते हैं। ग्रुपिंग ऑर्डर किया जाता है तो उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। और टेबुलेशन के बाद में डाटा का क्या किया जाता है? डाटा का कंपैरिजन किया जाता है, या अपने कह सकते हैं यहाँ पर डाटा का क्या करते हैं अपनी एनालिसिस करते हैं। और ये किन किन मेथड्स के द्वारा करते हैं, इन चीज़ों का अपने अध्ययन करेंगे। स्टेटिस्टिक एक साइंस भी है एंड आर्ट भी है, क्योंकि ये साइंस के साथ साथ अपने इन चीज़ों को ज्ञात करने के लिए क्रमबद्ध तरीके की ज़रूरत होती है, और वही साइंस होती है। उसके बाद में जब साइंस के बाद में इसे आर्ट कहा गया, तो क्यों कहा गया? क्योंकि ये साधन उपलब्ध करवाती है अपने को, एक आर्ट के रूप में अपने यूज करते हैं। जब व्यक्ति में इंटेलिजेंस होगी तो ही वो आर्ट का प्रयोग कर पाएगा। यानी स्टेटिस्टिक होती है एक बहुत ही बड़े ज्ञानी आदमियों की बात होती है ये, और जो अपने नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम होता है सारा का सारा एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक। तो यहाँ पर अपने क्या करते हैं कि जो स्टेटिस्टिक है वो एक साइंस भी है, स्टेट एक साइंस भी है, एंड आर्ट भी है। साइंस एंड आर्ट दोनों हैं, क्योंकि ये साइंस अपने को इस प्रकार की चीज़ों को, डाटा को एनालिसिस करने को सिखाती है, और आर्ट यानी ये साधन प्रस्तुत करती है परंतु समाधान प्रस्तुत है वो नहीं करती है। एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक की बात करें तो जितने भी स्टेटिस्टिक के नियम होते हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर अगर लागू कर दें तो एग्रीकल्चर स्टेटिस्टिक कह दिया जाता है। अब अगर अपने बात करें डाटा की, तो डाटा वैसे साधारण रूप से सिंपल तरीके से अगर क्लासिफाइड किया जाए तो डाटा टू टाइप्स के होते हैं। डाटा टू टाइप कौन कौन से? सबसे पहले अगर अपने देखें तो सबसे पहला डाटा होता है प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा कौन सा होता है? प्राइमरी डाटा वो डाटा होते हैं जो रॉ डाटा होते हैं, कच्चे डाटा जो होते हैं। दूसरी बात, हम ऑब्जर्वेशन के आधार पर सर्वप्रथम इनका प्रयोग करते हैं, प्राइमरी डाटा कहलाते हैं। सेकेंड टाइप डाटा का होता है वो सेकेंडरी टाइप होता है, और जो सेकेंडरी टाइप डाटा होता है वह किसी भी एक रिकॉर्ड से लिया जाता है, यानी पुराने अपने डाटाज एकत्रित किए हुए हैं, कलेक्ट किए हुए हैं, उन डाटाज को अपने इकट्ठे करके उनका टेबुलेशन, क्लासिफिकेशन एंड अपने एनालिसिस वगैरह करते हैं। तो वो जो डाटा होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। अब अगर अपने डाटा को अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करें, तो सबसे पहले अगर अपने देखें तो डाटा का जब क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, जैसे अपने कहें कि डाटा का क्लासिफिकेशन हमने जियोग्राफिकली कर लिया, जियोग्राफिकली डाटा का अध्ययन अपने जियोग्राफी के आधार पर, भूगर्भिता या भूमंडल के आधार पर, भूमि का अपने डाटा या अपने एरियाज के आधार पर, जियोग्राफी यानी
एरियाज के आधार पर अगर हमने डाटा का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो जियोग्राफिकल माना जाएगा। यदि हम डाटा का क्रोनोलॉजिकल करते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, टाइम के बेस्ड, टाइम बेस्ड अगर डाटा को अपने वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो उसे क्रोनोलॉजिकल कहा जाता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि निम्न में से जो टाइम के आधार पर डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा क्रोनोलॉजिकल। उसके बाद में दूसरा जो टाइप होता है वो एक डाटा को अपने क्वालिटी के आधार पर कर सकते हैं, क्वालिटेटिव के आधार पर, यानी डाटा के अंदर क्या है, कोई भी एक निश्चित आर्ट्रीब्यूट है, क्या है, निश्चित आर्ट्रीब्यूट है, यानी गुण है, किसी भी डाटा के अंदर कोई विशेष प्रकार का गुण है, जैसे कि अपने कह दे IQ इंटेलिजेंस क्वोटेंट है, कोई भी प्रकार की एबिलिटी हो, उसके अंदर अपने क्या करते हैं, क्वालिटी बेस्ड करते हैं। जो क्वालिटी बेस्ड डाटा जो होते हैं उनका किसी भी गुण के आधार पर अगर डाटा का क्लासिफिकेशन करते हैं तो यानी क्वालिटी बेस्ड माना जाता है, और आर्ट्रीब्यूट के रूप में अपने उसका अध्ययन करते हैं। दूसरी चीज़ आगे अगर अपने अपने क्वांटिटी की दृष्टि से देखें तो क्वांटिटी की दृष्टि से डाटा का जो क्लासिफिकेशन है, यानी डाटा के अंदर वे एक प्रकार की विशेष मैग्नीट्यूड पाई जाती है, मैग्नीट्यूड के आधार पर अपने डाटा का क्लासिफिकेशन है वो कर सकते हैं। तो ये डाटा को अपने कलेक्ट करने का एक तरीका था, जियोग्राफिकली रूप से कर सकते हैं, अपने क्रोनोलॉजिकल रूप से कर सकते हैं, क्वालिटेटिव रूप में कर सकते हैं एंड क्वांटिटी के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे मेनली, वैसे मैंने पहले वीडियो के अंदर अच्छे तरीके से बताया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आप एक बार जो पहला वीडियो है उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले अपने बात करें सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है, देखिए सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि कोई भी सीरीज़ के अंदर अगर अपने को डाटा दिए गए हैं, उस सीरीज़ के अंदर एक डाटा होता है जो कि रिप्रेजेंटेटिव प्रकार का होता है, एक डाटा होता है जो कि सभी सीरीज का नेतृत्व करता है। अब देखिए एक सेंट्रल टेंडेंसी के आधार पर अपने डाटाज को जब रिप्रेजेंटेटिव निकालते हैं, कोई भी नेतृत्वकर्ता निकालते हैं, तो सेंट्रल टेंडेंसी में अपने सबसे पहले अध्ययन करते हैं अर्थमेटिक मीन का। जो अर्थमेटिक मीन होता है एक प्रकार का समानांतर माध्य औसत होता है, एवरेज इसे कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, एवरेज कहा जा सकता है। और जनरली जो सेंट्रल टेंडेंसी को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जनरली जो सेंट्रल टेंडेंसी को यूज किया जाता है मापने के लिए, जनरली यूज कर लिया जाता है इसको, तो सेंट्रल टेंडेंसी का जनरली मेजर्स करने के लिए अपने यूज किसका करते हैं, समानांतर माध्य अर्थमेटिक मीन का यूज करते हैं। उसके बाद में अगर अपने देखें कि सेंट्रल टेंडेंसी का जो अर्थमेटिक मीन होता है उसका यूज कहाँ पर होता है, तो देखिए जैसे अपने उदाहरण के तौर पर कह सकते हैं प्लांट हाइट को ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो आपसे अगर पूछे प्लांट हाइट का एवरेज निकालने के लिए और प्लांट हाइट की रिप्रेजेंटेटिव ज्ञात करने के लिए अपने किसको यूज करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन को यूज करते हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, द सम ऑफ जितनी भी सीरीज होती है उसका सम किया जाता है और उसके बाद में इसको भाग दे दिया जाता है, किसे, नंबर ऑफ जितने भी अपने सैंपल्स होते हैं या जितने भी अपने इसके अंदर करेक्टर भाग लेते हैं सीरीज के अंदर, तो उससे अपने अर्थमेटिक मीन या समांतर माध्य एवरेज औसत का अध्ययन किया जा सकता है। अर्थमेटिक मीन के बाद में दूसरा आता है मीडियन, मीडियन या जिसे कहा जाता है माध्यिका। देखिए माध्यिका का यूज हमने डाटा का क्लासिफिकेशन किया था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई डाटा एट्रीब्यूट को या कोई गुण रखता है तो उसको अपने किस में अध्ययन किया जाता है, क्वालिटी के अध्ययन किया जाता है। क्वालिटेटिव जो डाटा होते हैं उन डाटाज को मापने के लिए मीडियन का यूज किया जाता है, और मीडियन होता है क्वालिटेटिव के रूप में अपने कह सकते हैं, जैसे कि कोई भी प्रकार की एबिलिटी हो, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो निम्न में से मीडियन का यूज कहां पर किया जाता है, तो मीडियन का यूज जो डाटा में क्वालिटी हो, किसी विशेष प्रकार का गुण हो, जैसे कि अब मैं कहूं कि वो व्यक्ति इतना इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस के लिए कौन सा यूज किया जाएगा,
किसी भी गुण के लिए मीडियन का यूज किया जाएगा। मीडियन होती क्या है, देखिए जब भी कोई भी आपको सीरीज दे दी जाए, मान लीजिए आपको सीरीज दे दी 1, 2, 4, 6, 5 और 3, सबसे पहले जब मीडियन की परिभाषा नोट डाउन करते हैं तो उसमें डेफिनेट करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं, तो उस टाइम क्या यूज करते हैं, देखिए मीडियन को डिफाइन करते समय अपने को जो सीरीज दी हुई है उसको सबसे पहले या तो एक्सेंडिंग ऑर्डर में लगाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, या बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, दोनों दृष्टि से अपने उसको लगा लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपने डाटाज की बात करें तो अपने बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं एक्सेंडिंग ऑर्डर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब ये सीरीज बहुत ही सिंपल है, मीडियन होता है उसको कैसे निकालते हैं, देखिए मीडियन यानी एक बहुत ही जो मध्य वैल्यू होती है उसको निकालने के लिए अपनी मीडियन निकल जाती है, उसको अगर आपको उसका पता चल गया कि मध्य वैल्यू क्या है तो आपको देखना है यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर टोटल नंबर की संख्या 7 है, 7 है तो यानी ये विषम संख्या है, विषम संख्या है तो इसमें अपने 3 इधर से छोड़ देते हैं, 3 इधर से छोड़ देते हैं, बीच में ये मीडियन आ जाती है, या अपने कहें कि 7/2 यानी आपका कितना आएगा 3.5, यानी तीसरी के बाद में जो वैल्यू आएगी, इधर से भी तीसरी के बाद में जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या होगी, मीडियन होगी। इसी तरीके से अगर अपने बात करें अगर अपने सम संख्या की बात करें तो यहाँ पर अपने विषम था, यानी हमें विषम ही बनाना है, यहाँ पर अपने दूसरे तरीके से देखें 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अब सम संख्या में हम ये डिसाइड नहीं कर सकते यानी 3 इधर है 3 इधर है तो कैसे निकाला जाता है, देखिए तो इस प्रकार से अपने पास संख्या है 7 प्लस 6 संख्या है, नंबर ऑफ जो सीरीज के नंबर हैं वो कितने हैं 6 हैं, इसमें अपने 1 कर देते हैं और बाई कर देते हैं 2 से, वही वैल्यू आ जाती है 3.5, यानी आपकी जो मीडियन है वो क्या होगा 3.5 मीडियन होगा आपका, ठीक है, इसका मीडियन कितना होगा 3.5। याद रखना मीडियन एक क्वालिटेटिव डाटा को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पर किसी भी प्रकार की एबिलिटी आ जाती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण दिया इंटेलिजेंस का, और वहाँ पर अध्ययन किया जाता है तो उसका अध्ययन अपने मीडियन के द्वारा करते हैं। आगे अगर अपने तीसरा देखें तो तीसरी जो वैल्यू आती है वो होता है मोड, मोड का मतलब होता है बहुलक, एक सीरीज में देखिए मोड एक सीरीज में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, जो नंबर ज्यादा बार आ रहा है वो ही नंबर क्या होगा मोड होगा। मोड का यूज कहाँ पर किया जाता है, देखिए मोड का यूज जनरली इंडस्ट्रीज के अंदर किया जाता है, जनरली जितनी भी इंडस्ट्रीज के अंदर है वो किया जाता है, जैसे कि अपने बात करें शूज साइज, जूतों का साइज पता करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मोड का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से अपने बात करें रेडीमेड गारमेंट में क्या यूज किया जाता है, जो रेडीमेड गारमेंट होते हैं उनके अंदर भी मोड का यूज किया जाता है, इंडस्ट्री के अंदर भी मोड का ही यूज किया जाता है। तो इस प्रकार का जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली डाटा होता है वो क्या होता है, मोड होता है, ठीक है, बहुलक होता है। उसके बाद में अगर अपने बात करें आगे वाली वैल्यू का, तो देखिए सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन पढ़ा, मीडियन पढ़ा, मोड पढ़ा, उसके बाद में आगे वाली वैल्यू आती है, वह वैल्यू होती है अपने हार्मोनिक मीन। देखिए हार्मोनिक मीन या हरात्मक माध्य क्या होता है, हरात्मक माध्य की बात करें तो ये अर्थमेटिक मीन के व्युत्क्रमानुपाती होता है,
अर्थमेटिक मीन की रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हार्मोनिक मीन का यूज कहाँ पर किया जाता है? जहाँ पर अपने को एवरेज निकालने की, देखिए ज़्यादातर चीज़ें सेंट्रल टेंडेंसी में एवरेज होती है, और हार्मोनिक मीन का कहाँ यूज करते हैं? एवरेज निकालने के लिए। और एवरेज निकालने के लिए कहाँ पर? जहाँ पर किसी भी चीज़ में एक समय के साथ उतार चढ़ाव ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि अपने बात कहें डिस्टेंस की, एवरेज डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए एक किसी भी अपने यात्रा के अंदर, टूर के अंदर एवरेज टाइम ज्ञात करने के लिए हार्मोनिक मीन का यूज किया जाता है, जहाँ पर उतार चढ़ाव आता रहता है। और एवरेज उनका निकालना होता है तो हरात्मक माध्य का यूज, हार्मोनिक मीन का यूज किया जाता है। अब दूसरी चीज देखें अपने आगे, गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन। गुणोत्तर माध्य बराबर क्या होता है? गुणोत्तर माध्य बराबर होता है जितने भी आपके डाटा हैं उनका क्या कर दिया जाता है, आपको वर्गमूल कर दिया जाता है। और वर्गमूल करके अपने को क्या कहा जाता है कि वर्गमूल करने के बाद में अपने को जितनी भी डाटाज इसके अंदर दी हुई है उनको मल्टीप्लाई करना होता है। जितनी भी डाटाज दी गई है सीरीज़ के अंदर उनको मल्टीप्लाई करके उनका क्या निकालना होता है, स्क्वेयर रूट निकालना होता है। तो देखिए जब भी एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर, मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर भी इसको डिस्क्राइब किया है, जब भी किसी भी जियोमेट्रिक मीन की सीरीज में एक वैल्यू को जीरो अंकित कर दिया जाता है तो दूसरा या जियोमेट्रिक मीन ही क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि इसके साथ जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, ठीक है? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये सेंट्रल टेंडेंसी में यहाँ पर कंप्लीट होता है। सेंट्रल टेंडेंसी की अगर बात करें तो सेंट्रल टेंडेंसी में एक रिलेशनशिप पाया जाता है, और रिलेशनशिप क्या होता है, देखिए रिलेशनशिप की अगर अपने बात करें तो आपको कई बार मीडियन दिया हुआ होता है और मीन दिया हुआ होता है, तो आपको कह दिया जाता है कि मोड निकालना है। तो देखिए मोड बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर 3 × मीडियन और माइनस 2 × मीन। ये बात आप याद रखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चंस अगर आ जाए, आपको मीडियन दिया हुआ हो और मीन दिया हुआ हो, मोड निकालना है, तो आप ये वैल्यू पुट आउट कर दीजिएगा, आपकी मोड है वो निकल जाएगा। ये रिलेशनशिप है बिटवीन मोड, मीन एंड मीडियन। पहले वाले वीडियो के अंदर भी मैंने इसको बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में अपने बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बाद में डिस्प्रेशन। देखिए डिस्प्रेशन क्या होता है? डिस्प्रेशन वो चीज़ होती है, देखिए एक बहुत लंबी सीरीज दी हुई होती है, सीरीज में फ्रिक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है। सीरीज में क्या होती है? फ्रिक्वेंसी होती है, बारंबारता होती है। लंबी सीरीज में एक रिप्रेजेंटेटिव डाटा को एवरेज के रूप में निकालने के लिए अपने डिस्प्रेशन का यूज करते हैं। जिस भी देखिए अपने इसकी परिभाषा अगर देखें तो कहा जाता है कि द एवरेज आर representative of frequently series। एक सीरीज है जिसमें फ्रिक्वेंसी है, बारंबारता है, और उसका अपने को रिप्रेजेंटेटिव निकालना है, तो अपने किसका अध्ययन करते हैं, डिस्प्रेशन का या परसरण का अध्ययन किया जाता है। देखिए परसरण डिस्प्रेशन के अंदर अपने किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, डिस्प्रेशन के अंदर अपने सबसे पहले रेंज का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले अपने रेंज का अध्ययन करते हैं। रेंज का मतलब होता है विस्तार, रेंज का मतलब विस्तार होता है, और रेंज निकालते किस तरीके से हैं, देखिए कोई भी सीरीज हो दी हुई हो उसमें सबसे पहले
अपने को एक हाईएस्ट वैल्यू दी हुई होती है। क्या दी हुई होती है? हाईएस्ट वैल्यू दी हुई होती है। इस हाईएस्ट वैल्यू में से अपने लोवेस्ट वैल्यू को निकालने पर, लोवेस्ट वैल्यू को अपने घटाने पर क्या आ जाता है? रेंज आ जाती है। लोवेस्ट वैल्यू को निकालने पर रेंज का मान निकाल दिया जाता है। तो अगर अपने रेंज की बात करें तो हाईएस्ट वैल्यू में से लोवेस्ट वैल्यू को घटाना है, ठीक है, या जो लार्ज वैल्यू होती है उसमें से स्मॉल वैल्यू को घटाना है, जिससे आपको रेंज का मान प्राप्त हो जाता है। अगर वहीं पर अपने बात करें कोफिशियंट ऑफ रेंज, कोफिशियंट ऑफ रेंज, तो देखिए कोफिशियंट ऑफ रेंज किस तरीके से ज्ञात करते हैं। कोफिशियंट ऑफ रेंज, कोफिशियंट ऑफ रेंज में अपने क्या करते हैं, सर्वप्रथम लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को घटाते हैं और उसके बाद में लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉल वैल्यू को जोड़ देते हैं और उनका दोनों को भाग दे देते हैं, तो क्या आ जाता है? कोफिशियंट ऑफ रेंज आ जाता है। आगे अगर अपने देखें रेंज के बाद में, रेंज के बाद में आता है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन या माध्य विचलन। तो सबसे पहले आपको परिभाषा याद करनी है, तो इनके नामों में ही परिभाषा होती है। तो देखिए मीन डेविएशन की अगर अपने बात करें तो ये कह रहा है कि मीन का डेविएशन निकालना है। क्या करना है? मीन का डेविएशन निकालना है, यानी मीन भी निकालना है और डेविएशन भी निकालना है। तो इसका सूत्र क्या होता है? सर्वप्रथम अपने मीन निकालते हैं तो एम डी बराबर क्या आएगा? एम डी बराबर देखिए समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार, यानी अपने क्या कर लेते हैं, इसका डेविएशन निकाल लेते हैं। पहले समांतर माध्य ज्ञात करते हैं और समांतर माध्य में से एक एक वैल्यू को घटाकर अपने मीन डेविएशन निकाल लेते हैं। उसके बाद में इसका क्या कर दिया जाता है, इसका भी मीन निकाल दिया जाता है, माध्य निकाल दिया जाता है, मीन डेविएशन होता है। मीन डेविएशन के बाद में अगर अपने बात करें तो आगे वाली जो अपनी वैल्यू आती है वो होती है स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, एस डी। देखिए नॉर्मली रूप से अगर अपने बात करें तो डिस्प्रेशन ज्ञात करने के लिए एवरेज रूप से अपने जनरली जो यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, अपने रेंज का यूज करते हैं। परंतु एस डी होता है, एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन एक डिस्प्रेशन मापने की सर्वोत्तम यूनिट होती है। क्या होती है? सर्वोत्तम यूनिट होती है, या अपने कह सकते हैं कि एक बेस्ट मेथड होता है किसका, डिस्प्रेशन निकालने का बेस्ट मेथड स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और इसको खोजा किसने था स्टैंडर्ड डेविएशन को? कार्ल पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, कार्ल पियर्सन ने। देखिए कार्ल पियर्सन ने इसे जब सैंपल में प्रयोग करते हैं, सैंपल क्या होता है, सैंपल देखिए जब किसी भी पॉपुलेशन के अंदर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट को इंडिविजुअल रूप से अध्ययन किया जाता है तो उसे सैंपल कहते हैं, जिसे हिंदी में प्रतिदृश्य के नाम से जाना जाता है। सैंपल के लिए इसे एस के रूप में डिनोट करते हैं। और अगर अपने बात करें पॉपुलेशन के लिए तो पॉपुलेशन का एस डी निकालते हैं तो इसको यूज किया जाता है सिग्मा वर्ड से। किससे यूज करते हैं? सिग्मा वर्ड से। देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर होता है क्या? वेरिएंस। सिग्मा बराबर क्या होता है? वेरिएंस होता है, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट कर दिया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से डिनोट करते हैं और ये क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। अब अपने बात करें कि एस डी की रेंज कितनी होती है, एस डी कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस आते हैं ना उनके बारे में ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो रेंज की बात करें तो जीरो से इन्फिनाइट रेंज होती है इसकी, जीरो से इन्फिनाइट रेंज होती है, वो एस डी की रेंज होती है, ठीक है। बहुत सारी वैल्यू जाएगी याद रखिएगा। तो
डिस्प्रेशन मापने को मापने की ये बेस्ट मेथड होता है, सर्वोत्तम बेस्ट होता है, मोस्ट इफेक्टेड होता है। ये जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उससे मोस्ट इफेक्टेड होता है। ये बात भी याद रखिएगा, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, आईसीआर के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि मोस्ट एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट होने वाला मोस्टली जो अपनी यूनिट है वो कौन सी होती है, तो ये एसडी यूनिट होती है। उसके बाद में अगर अपने देखें तो एक रहता है वेरियंस। वेरियंस भी एक प्रकार का मेथड है डिस्प्रेशन निकालने का। और वेरियंस होता है वो किसने दिया था, तो देखिए वेरियंस दिया था आर ए फिशर ने। आर ए फिशर, फिशर ने भी एक टी टेस्ट भी दिया था जिसे फिशर टी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। आर ए फिशर ने वेरियंस दिया था, और वेरियंस बराबर क्या होता है, वेरियंस बराबर अपने कह सकते हैं कि एस डी स्क्वायर रूट होता है। एस डी स्क्वायर अपने के द्वारा वेरियंस को दिखाया जा सकता है। अब अगर अपने देखें वेरियंस को दिया था आर ए फिशर ने, तो दूसरी जो चीज़ अगर अपने देखना चाहें तो इसका कोफिशियंट निकालते हैं। अपने कोफिशियंट कैसे निकालते हैं, देखिए इन चीज़ों का साथ साथ में जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ आप नोट्स तैयार कर लीजिएगा, कम से कम एक घंटा लगेगा, पर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डब्ल्यू के अंदर, सहायक कृषि अधिकारी के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। तो देखिए कोफिशियंट ऑफ वेरिएशन सबसे पहले दिया किसने था, सबसे पहले इसे कार्ल पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, कार्ल पियर्सन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। होता क्या है, अगर सीवी का बात करें अपने, तो सीवी निकालने के लिए अपने एसडी बटे मीन, एसडी बटे मीन इनटू सो से क्या निकाला जा सकता है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस निकाला जा सकता है। देखिए जब अपने अध्ययन करते हैं कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस का, तो कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस अगर किसी भी वैल्यू आपने पुट आउट की है और कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का मतलब होता है विभिन्नता, और विभिन्नता अगर ज़्यादा आ रही है तो ये कोई जो आपने प्रयोग किया है उसमें होमोजेनिसिटी नहीं है, उसके अंदर होमोजेनिसिटी नहीं है, समानता है वो नहीं है, बहुत ही कम समानता है, और एरर होने का ज़्यादा संभावना है वो रहती है। अपनी जो वैल्यूज होती है वो क्या आती है, वेराइज आती है, विभिन्नता वाली आती है। अगर वहीं पर देखें कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस अगर कम आ रहा है तो क्या होता है, अपने जो प्रोडक्ट होता है, अपने जो भी प्रयोग करते हैं एक्सपेरिमेंट, उसमें होमोजेनिसिटी होती है, होमोजेनिसिटी उसके अंदर पाई जाती है, होमोजेनिटी उसके अंदर होती है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर अपने उदाहरण की बात करें, देखिए आपको उदाहरण मैं बता देता हूँ, उदाहरण देखें तो देखिए कोई भी चीज़ का, जैसे कि अपने एल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं, एल्ड का उपज का एग्जाम्पल लेते हैं, और उपज में आपने एस डी ज्ञात किया था, वो ज्ञात किया था आपने 10, कितना ज्ञात किया था 10, और उसके बाद में आपका मीन है, वो मीन कितना है 50 है, इनटू क्या करना है 100 करना है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 5×20 यानी कितनी आएगी, लगभग 20% वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 20% वैल्यू आएगी। अगर वहीं पर देखें अपने दूसरा उदाहरण देखें, तो अपने हाइट का अध्ययन करते हैं, हाइट का अगर अपने एग्जाम्पल लें तो देखिए हाइट में अपने मान लीजिए जो एस डी था वो 5 था और मीन था वो 55 था, इनटू आपने 100 किया तो ये लगभग 9 के करीब आएगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि
इसमें जो विभिन्नता है वो कम है, वेरिएंस कम है, और इसमें विभिन्नता है वो ज़्यादा है, एक्सपेरिमेंट आपका सफल नहीं हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। किसी भी सैंपल के अंदर एक्सपेरिमेंट की बात करें तो हो सकता है एल्ड के लिए ज़्यादा आएगा और हाइट के लिए कम आएगा। तो कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस का अगर अपने सिग्निफिकेंस ज्ञात करना है, इसका अपने को क्या करना है, सिग्निफिकेंस ज्ञात करना है। सिग्निफिकेंस अगर ज्ञात करना है तो किसका यूज करेंगे? सिग्निफिकेंस ज्ञात किया जाता है इसका, कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस का, तो सिग्निफिकेंस ज्ञात करने के लिए सीवी का अपने अध्ययन करते हैं। किसके लिए? दो कोई भी वेरिएबल्स होते हैं जो कि चर होते हैं, वेरिएबल्स चर जो कोई भी मान को ग्रहण कर सके, ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स का जो इंडिपेंडेंट होते हैं टू वेरिएबल्स का कंपेयर करने के लिए अपने यूज किया जाता है कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस को। तो इतनी चीज आप कोफिशियंट ऑफ वेरिएंस में याद रखिएगा। उसके बाद में अपने अध्ययन करते हैं प्रोबेबिलिटी, आगे वाला जो टॉपिक रहता है वो रहता है प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आप अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, देखिए प्रोबेबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रायिकता। प्रायिकता का मतलब होता है चांस। क्या मतलब होता है? चांस यानी कोई भी चीज की संभावना, कोई भी चीज का अवसर। मान लीजिए 20 स्टूडेंट की क्लास है, कितने स्टूडेंट की क्लास है, 20 स्टूडेंट की क्लास है, उसमें से 12 क्या है, 12 बॉयज हैं, क्या है, 12 बॉयज हैं, और 8 क्या है, गर्ल्स हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, कहूं कि इन 20 स्टूडेंट्स में से, कितने स्टूडेंट्स में से, 20 स्टूडेंट्स में से मैंने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, 20 स्टूडेंट में से मैंने कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, एक को स्टूडेंट को सिलेक्ट किया, और आपसे पूछा कि वो वाइज होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी किससे ज्ञात करते हैं? प्रोबेबिलिटी अपने ज्ञात कर सकते हैं फेवरेबल आउटकम से, फेवरेबल आउटकम